गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हियर इज हेमंत कदम, योर साइंस टीचर। सो हम क्लास सेवन्थ के क्वेश्चन आंसर्स लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, सो उसी को फर्दर आगे बढ़ाते हुए हम ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। आई होप आपको लास्ट जो हमने लेक्चर में क्वेश्चन आंसर किए थे वो समझ में आए होंगे और आप ने अपने नोटबुक में नोट करेंगे। तो आज भी आपको ये जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप उन्हें प्रॉपरली नोट करेंगे, बाद में जब स्कूल ओपन होंगे तब वो कॉपीज आपकी चेक कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स तक कर लिया था, हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन आया है आज, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेवन का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स के बीच का डिफरेंस। सो यहाँ देखेंगे हम जब सो द प्लांट दैट पार्शली और कंप्लीटली डिपेंड ऑन द प्लांट दैट आर पार्शली और कंप्लीटली डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड पैरासाइट्स, ठीक है। यहाँ जो ये पैरासाइट्स है हमने पढ़ा है अच्छे से कि जो भी प्लांट्स किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि वो खुद का फूड नहीं बना पाते, वो किसी और प्लांट के ऊपर रहकर अपना फूड बनाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं, पैरासाइट। सो एग्जांपल है डोडर और सैंडलवुड ट्री। सैंडलवुड ट्री यानी कि आपका चंदन का पेड़, ठीक है। सो ऐसे प्लांट्स जो कि किसी और पर डिपेंड होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। सो उसी के बीच में एक डिफरेंस, द प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर, दिस प्लांट हैव नो लीव्स एट ऑल आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, आर एग्जांपल इंडियन पाइप एंड कोरल रूट। सो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो अपना फूड डेड और डीके मटेरियल से बनाते हैं, सो जो ख़त्म हो जाता है जो भी एनिमल जो भी प्लांट उसके ऊपर अपना घर बना लेना, ऐसे प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं, सेप्रोफाइट्स, ठीक है। सो आपको ये बात समझ में आई, इसका एग्जांपल हमने देख लिया इंडियन पाइप एंड कोरल रूट्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे आगे था ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। तो मैंने आपको जब पढ़ाते हुए जब एक ही बात बताई थी, ऑटो मतलब खुद और हेट्रो मतलब किसी और पर। सो यहाँ ऑटोट्रॉप्स की जब डेफिनेशन, द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड देमसेल्व आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। सो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खुद का फूड बना लेते हैं, ये आपने बात समझी। सो इसके बाद अगली चीज़, द एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। सो देखिए, जैसे हम अगर बात करें ह्यूमंस की, सो ह्यूमंस क्या है, हेटरोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि वो किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। या तो प्लांट पर डिपेंड करते हैं या एनिमल पर डिपेंड करते हैं, अपने फूड के लिए कहीं ना कहीं वो किसी और पर डिपेंड कर रहे हैं। सो ऐसे प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। मोस्ट एनिमल्स पैरासाइट्स सेप्रोफाइट्स एंड डीकम्पोजर्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर एग्जांपल ऑफ हेटरोट्रॉप्स, ये बात समझना ही आपको, ठीक है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। अब द मेन क्वेश्चन, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन जिसे हम समझेंगे, वॉट इज़ अ कंडीशन नेसेसरी द प्रोसेस फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है आप ये समझेंगे, ठीक है। कौन कौन से कंडीशन इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहली बात, द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। ये वाली चीज़ समझना है, क्लोरोफिल आपको मैंने बताया था कि किसी भी प्लांट के अंदर जो ग्रीनिशपन होता है वो किस वजह से होता है, ओनली बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमने देखा था अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती तो पॉसिबल ही नहीं था हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मटेरियल रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे। सो ऐसी कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड की हमें बहुत नीड थी।
अवेबिलिटी ऑफ वाटर, सो वाटर की भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। सो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, कि ये मान ले क्यूरियोसिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आप इसको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। हाउ डू यू डिफाइन अ पैरासिटिक प्लांट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है हमारे से कि पैरासाइटिक प्लांट क्या होते हैं और उनका एग्जाम्पल के साथ आप उसे शो करिए। तो द प्लांट दैट आर पार्शली और कम्प्लीटली डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स, ठीक है, होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट। यानी ऊपर भी समझाया था मैंने आपको कि ऐसे प्लांट जो कि किसी और पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हम उन्हें क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है। तो कैस्केटा और सैंडलवुड आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, हमने हमारे नॉर्मली खेतों में भी देखा है कि हम एक जैसी फसल को बार 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 करके, अब एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी जो मिट्टी होती है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी और उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो थोड़े डाउनग्रेड हो जाते हैं। सो ऐसी कंडीशन में हमारे प्लांट्स को, हमारे क्रॉप्स को बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम रिप्लिनिश करते हैं न्यूट्रिशन का, यानी कि न्यूट्रिशन को वापस से हमारी मिट्टी में पहुँचाते हैं। सो ऐसा कैसे पहुँचा सकते हैं हम, थ्रू द फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर, ठीक है, मैन्यूअर यानी कि खाद। सो ऐसे टाइम पे कि जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट को हम क्या करते हैं, एडअप करते हैं, क्या करते हैं, एडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू अवॉइड डिप्लेशन ऑफ सर्टन न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन का हमें डिप्लेशन रोकना होता है, ऐसी कंडीशन में हम वैसे दूसरे न्यूट्रिशन को हम हमारी सॉइल के अंदर प्रोवाइड कराते हैं, इसे हम बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 आपको सिर्फ बुक के अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछता है व्हाट डज द फिगर शो, तो फिगर आपकी बुक में होगी। सो आप उसे नॉर्मली आप इसे सिर्फ नेमिंग के हिसाब से याद रखेंगे, ओके। सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और अब हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो हम करने वाले हैं मंडे से। सो तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।